आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में वॉलपेपर कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड बहुत ही सिंपल सिंपल इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन वाली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। या फ्रेंड आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में वॉलपेपर, आपको वॉलपेपर पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा माई वॉलपेपर और गैलरी, जैसे कि आपको अपने फोन में फोटोज़ वगैरह ऐड करना चाहते हैं वॉलपेपर पे, तो आपको गैलरी पे क्लिक करके फोटोज़ सेट कर लेंगे, ना आपको वॉलपेपर पे क्लिक कर लेना है। और आपको यहाँ पर काफ़ी वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे, तो इस प्रकार आप यहाँ अपने फोन में कोई भी वॉलपेपर ऐड कर सकते हैं। कहीं पर यहाँ से आपको वॉलपेपर ऐड करने के लिए, यहाँ पर आपको कोई भी वॉलपेपर ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। अब आपको क्लिक करके होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार आपके फ़ोन में वॉलपेपर चेंज करेंगे। आज भी फ्रेंड आपको चेक कराते हैं हमारे फ़ोन का वॉलपेपर जो है वो चेंज हो चुका है, तो इस प्रकार आपके फ़ोन में, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमारे फ़ोन में जो वॉलपेपर था वो हमारा चेंज नहीं हुआ। तो आइए फ्रेंड आपको दोबारा ट्राई करें, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हो नहीं पाता, तो यहाँ से आपको वॉलपेपर पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन, आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में हमारे फोन में जो है वॉलपेपर हमारा चेंज हो चुका है। फ्रेंड आप चेक करा देते हैं आपको, देखिए फ्रेंड इस प्रकार आपने फोन में वॉलपेपर चेंज करेंगे। अगर फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।